को जैसे शब्द भरत जी को आए, बोले कुटिल मंत्रा तब तक दिख गई तो कुटिल मंत्रा का खपार फोड़ दिया शत्रुघ्न जी ने और भरत जी ने। अब भरत जी ने विचार किया कि हमारे कारण राम बन गए, कैसे मुंह दिखाएंगे हम जगत को। रोते रोते भरत जी मां कौशल्या के पास पहुंचे। मां कौशल्या प्रेम बस होकर के रोते हुए भरत को देखकर अपने गले से लगा लेती, बेटा रो मत। भरत कहते मां मैं बड़ा अभागा हूं। मां कौशल्या कहती कैसी बात बोलते बेटा, तुम हमें बराबर प्रिय, जैसे राम प्रिय वैसी भरत तुम प्रिय। पर भरत कहते मां मैं अभागा हूं, मेरे कारण हमारे प्रभु को बन जाना पड़ा। मां वैसे मैं एक बात बोलूं, इस भरत का तो मुंह देखने लायक नहीं है। कौशल्या कहती कैसी बात बोलते। भरत कहते माँ ना ये भरत अभागा होता, ना मेरी माँ वरदान मांगती, ना ब्रह्म स्वरूप भाई राम को बन जाना पड़ता। थबक थबक करके रोए भरत जी। वशिष्ठ आदिक गुरु आए, समझाया महाराज दशरथ की अंत्येष्टि क्रिया की गई, संस्कार किए, बाद में सभा बुलाई। सभा बुलाई तो सभा में रघुवंशियों के गुरु है वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी ने राम से भरत से कहा, भरत राम जी तो वन चले गए, अब तुम इस राज्यपाट को संभालो। पिताजी ने भी वचन दिए, तुम्हारी माँ ने भी वरदान मांगे, और प्रजा का भी यही भाव है कि जब तक राम जी 14 वर्ष वनवास से नहीं आ जाते तब तक तुम राजपाट संभालो। भरत बेहवल हो गए। भरत बोले गुरु हे गुरुदेव, लगता आपकी भी मति मारी गई, आपकी भी मति मारी गई। और पहली बार किसी ने गुरु जी की निंदा की वशिष्ठ जी की। वशिष्ठ कोई साधारण नहीं, वशिष्ठ जी द्वितीय ब्रह्मा है, दूसरे ब्रह्मा है। ये वही भरत वशिष्ठ जी है, वैवस्वत मनु से लेकर के अनेक राजा हुए, पर सब राजाओं के गुरु केवल एक वशिष्ठ जी हुए। पर भरत जी कहते गुरुदेव लगता आपकी भी मति मारी गई। गुरुदेव चौंक गए, हमारी मति हाँ किस कारण से। और प्रिय और करुण वाणी बोले भरत, लगता है भरत जी बोले गुरुदेव अन्यथा मत रहना, क्षमा करना, लगता है भरत के पाप के कारण आपकी भी मति मारी गई। जो भरत को आप राज्य सौंप रहे हो, हमारा भाई बन बन भटके, लगता आपकी भी मति मारी गई। महाराज मानवता का श्रेष्ठ आचरण भगवान राम है, मानवता का श्रेष्ठ आचरण राम है। देखो राम जी का धर्म है सामान्य, राम जी का धर्म सामान्य है, लक्ष्मण जी का धर्म विशेष है, परंतु भरत जी का धर्म विशेषतर है और शत्रुघ्न जी का धर्म विशेषतम है। राम जी सामान्य धर्म का पालन करते, लक्ष्मण जी विशेष धर्म का पालन करते। राम जी जब लक्ष्मण जी से कहते लक्ष्मण हमारा तो धर्म है माता पिता की आज्ञा मानना, क्योंकि हमारे लिए वरदान मांगा, तुम यही राज्य में रहो। लक्ष्मण